डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन। कोई आपको आउटपुट दे दिया जाए, मान लीजिए ये कोई आउटपुट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा? ट्रुथ टेबल के द्वारा। ये आप गेट्स के द्वारा भी पढ़ेंगे, पहले आप ट्रुथ टेबल के द्वारा देख लीजिए जो सिंप्लीफिकेशन होता है आपका, ठीक है? शॉर्ट तो ट्रुथ टेबल के द्वारा, तो ट्रुथ टेबल का मुझे कोई आउटपुट है ये, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है किसके द्वारा? ट्रुथ टेबल के द्वारा। अब इसमें मुझे बताओ कितने इनपुट हैं आपके? तीन इनपुट हैं। कितने हैं? तीन। तो तीन के लिए आपको कितनी कंडीशन बनेगी? आठ। कितनी? आठ। अगर मेरे पास तो इनपुट हो ए बी और सी, है ना, यही कोई इनपुट हो, तो पहले क्या होगा आपका? जीरो जीरो होगा। जीरो जीरो जीरो, यानी कि जीरो जीरो जीरो, वन 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 वन। दूसरा जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, ये तो आपको कराया हमने पीछे, ठीक है? और इसमें वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अगर इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा आ जाए? ट्रुथ टेबल के द्वारा। आपसे अगर ट्रुथ टेबल के द्वारा आ जाए तो कैसे करोगे, है ना? ठीक है, देखिए अब मुझे कोई बताएगा, है ना, ये किसका नंबर होता है? वन का। तो ये किसका है? जीरो का। ये किसका? वन का। ये टू का, थ्री का, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये आपको सब कराए हैं। सेवन कैसा आता है, सिक्स कैसा आता है, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन किसका? इस वाले, इसका, इस वाले आउटपुट का। तो इसमें आप देख रहे हो बार है, बी पर भी बार है, सी पर भी बार है। तो अगर मुझे ए बार चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए किसका? ए का। तो ए बार आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना? बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया पीछे, सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्लियर? चलिए इतना आपको क्लियर है, अच्छी बात है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? देखो यहां कितना है? जीरो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा? वन। इस लाइन में कितना है ए का कॉम्प्लीमेंट? जीरो। तो यहाँ क्या मिलेगा? वन। यहाँ कितना मिलेगा आपको? वन। यहाँ वन, यहाँ जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या? इनवर्स। यहाँ आपका नोट गेट, तो नोट गेट क्या होता है? जीरो का वन, वन का जीरो। चलिए दूसरा बी क्या है आपका? जीरो जीरो, क्या आ जाएगा? वन वन, फिर वन वन, जीरो जीरो, फिर वन वन, वन वन वन, फिर जीरो जीरो। अब क्या सी? सी क्या आ जाएगा? वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। जो आपका आउटपुट क्या है आपका? वन है, जो सॉरी इनपुट है जो वन है, वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? आउटपुट में बोलो कोई, आउटपुट में चाहिए आपको क्या चाहिए? ए बार बी सी प्लस क्या होगा आपका? ए बी बार सी बार, ठीक है। तो देखो ए बार बी बार कहाँ मिल रहा होगा? ए बार इस लाइन में मिल रहा कहीं भी, यानी कि यहाँ तक, ये कहीं पर भी, ठीक है। तो ए बार, चलिए ए बार ये होगा, है ना, ए बार। बी सी, बी सी, बी सी कहाँ है? ये है। तो ये वाला क्या होगा आपका? बस इस लाइन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? एक्टिव रहेगा, ए बार बी सी, क्लियर? क्या रहेगा? यही वाला है, ये आपका ऑन रहेगा। जहां जहां वन रहता है तभी ऑन मिलता है आपको, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी आपकी? और दूसरा ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। तो ए बार कहाँ होगा? ये यहां तक कहीं पर भी हो सकता है ये, तो ए बार, फिर बी बार सी बार, तो बी बार सी बार, तो आपको कौन सी वाली मिलने वाली है? ये, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? ए बी बार सी बार, क्लियर। ये ए होगा आपका और ये बी बार सी बार, क्लियर। तो ये वाले क्या रहेंगे आपको? वन वन रहेंगे, और ये बाकी के क्या रहेंगे? जीरो। क्या रहेंगे? जीरो। तो यही रहता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो सर्किट आपको अगर पूछ लिया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो बस इन दोनों को बनाना है आपको, इन दोनों पूरा टेबल बनाएंगे और इन दोनों का सर्किट बनाने के बाद आप क्लियर कर देंगे। तो ये क्या होगा इसका? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एक ही, एक से ही समझ लेंगे आप। अगर पेपर में आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।